हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप टेन क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8.1 की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं भैया। प्रश्नावली 8.1 को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, जो इसकी बेसिक चीजें बताई गई थी, यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों, आइए हम उसको हल करते हैं। पहला सवाल कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है वो समकोण है, अर्थात कोई एक ट्रायंगल है, त्रिभुज एबीसी है, उसका नाम ये देखिए। पहले हम आकृति बना लेते हैं प्यारे बच्चों। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, जिसका जो बी है वो समकोण है। आगे क्या कर रहा है, ए बी बराबर 24, ए बी यानी ए बी भुजा जो है वो 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी भुजा है प्यारे बच्चों वो 7 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, सबसे पहला प्रश्न ज्ञात करना है साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए, और इसी में सेकंड प्रश्न पूछा है साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब अगर आपने बेसिक वीडियो देखा होगा तो हमने आपको यह चीज जरूर बताया होगा कि किसी भी त्रिकोणमिति के छव अनुपात की जो वैल्यू ज्ञात करनी रहती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है। आइए अभी हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ये जो अधूरी भुजा बचा है इसको, अर्थात सबसे पहले एसी ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद हम सब निकालेंगे। तो एसी ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम लोग यहां पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें, एसी का वर्ग बराबर शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग। तो शेष दो भुजाएं कौन है, एक ए बी है और एक क्या है, बी सी है। आइए सबकी वैल्यू रखते हैं हम लोग। अब बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 है, इसका वर्ग कर दिए, और बी सी कितना है, 7 है, तो इसका वर्ग कर दिए। 24 का वर्ग करोगे आप लोग तो 576 आएगा, उसका वर्ग करोगे तो 49 आएगा, जोड़ देंगे तो 625 आएगा। अब ये आया एसी का वर्ग। अब आपको एसी चाहिए तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और ये अंडर रूट से बाहर आएगा, अर्थात इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी जो बड़ी भुजा है वो बड़ी भुजा कितनी है, 25 सेंटीमीटर। क्या अभी तक किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले फर्स्ट सवाल को हम लोग हल करेंगे। साइन ए देख पा रहे हैं, ए मतलब जो एंगल है वो ए पे क्रिएट है, इस समय जो चाप लगा है वो ए पे है। ठीक, तो अब जब यहां पर एंगल लग गया, यहां पर चाप लग गया प्यारे बच्चों, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब का कार्य करने लगती है। किसका काम करती है प्यारे बच्चों, लंब का। बड़ी भुजा बदलने वाली नहीं। अब जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा प्यारे बच्चों इस समय आधार का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, आधार। अब ध्यान दीजिएगा, जब साइन ए निकालना है तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। चलिए अब देखिए, यहां कोण के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, और कर्ण कौन है, बड़ी भुजा 25। ठीक, अब इसी के जैसा कॉस ए ज्ञात करना है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार कौन है, ये देखिए ये भुजा बता रहा है आधार, आधार कितना है, 24 है,
कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण वही है आपका 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब प्यारे बच्चों जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, साइन सी। अब जो चाप लगा है वो ए पे नहीं है, वो सी पे है, अर्थात हम लोग इनको मूव कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जो चाप लगा है वो सी पे लगा है। अब उनका इसके माध्यम से हम लोगों ने ये दोनों ज्ञात किया। अब इसके माध्यम तो अभी हमने बताया कि कोण के सामने वाली जो साइड होती है वो किसका काम करती है, लंब का। ठीक, और जो बची हुई साइड होती है वो आधार का कार्य करती है। ठीक, अब आप समझिए, साइन सी बराबर है, फार्मूला वही है, लंब बटे कर्ण। अब बताइए, सी के सामने वाली भुजा लंब है अर्थात 24, और जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा, 25। ठीक, ऐसे ही कॉस सी ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, कॉस सी। कॉस सी कौन होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब यहां देख पा रहे होंगे कि आधार कौन है, 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण कौन है, 25। तो आ गए 7/25। इस प्रकार प्यारे बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रश्न की, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आइए हम बात कर लेते हैं सेकंड प्रश्न की। आपने स्क्रीन से देख के पढ़ ही लिया होगा कि सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है। थोड़ा सा हम लोग भी पढ़ लेते हैं, फिर बातें करते हैं कि आखिर सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है। सेकंड प्रश्न में क्या है, आकृति बनाई गई है और वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो आकृति बनाई गई है वो आकृति हम लोग बना लेते हैं। आकृति मैं अभी बना रहा हूं और जो लिखा चीज है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन से। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। दी गई आकृति में टेन पी और माइनस कॉट आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। टेन पी और माइनस किसकी ज्ञात करनी है, कॉट आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये 13 दिया गया है और जो ज्ञात करना वो ये ज्ञात करना है, टेन पी माइनस कॉट आर, यही चीज ज्ञात करना है, यही चीज आपको बच्चों यहाँ फाइंड आउट करना। कोई भी ज्ञात करने के लिए, किसी भी अनुपात को ज्ञात करने के लिए, चाहे उस अनुपात को आप जोड़िए चाहे उस अनुपात को आप घटाइए, किसी भी अनुपात को निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको तीनों भुजाओं की जानकारी जरूर होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दो ही भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा नहीं दी गई है, परंतु जो क्यू है वो आपका समकोण है, अर्थात हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से प्यारे बच्चों ध्यान देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग यानी बड़ी भुजा का वर्ग। बड़ी भुजा कौन है, यहाँ पी आर है। शेष अन्य दो भुजाएं कौन है, एक है पी क्यू और एक है क्यू आर। ये पी क्यू का वर्ग प्लस किसका वर्ग हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग। अब आइए देखते हैं, पी क्यू की वैल्यू आपको दी गई है 12 दिया गया है, और अगली की वैल्यू कितनी दी गई है, 13। परंतु ये नहीं दिया गया पहले बच्चों, ये क्यू आर की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, बल्कि आपको ये दिया गया 13 का वर्ग। चलिए 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, इनका वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, प्लस क्यू आर का वर्ग हो गया। ये 144 प्लस है, बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का वर्ग। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा बराबर क्यू आर का वर्ग। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कर्ड़ी लगा देंगे और क्यू आर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर। तो क्यू आर की जो वैल्यू आई वो आपको प्राप्त हो गए 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपको जो ज्ञात करना है वो आप इधर आ जाइए, टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू ज्ञात करनी आई। अब टेन पी बराबर होता है, टेन का जो व्यंजक होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो भैया पी पी यहां पर एक बार एंगल बनेगा, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, इसके सामने वाली साइड लंब कहलाती है, अर्थात क्यू आर बटे ये वाली भुजा आधार हो जाएगी पी क्यू। माइनस काट आर यानी अब ये वाला चाप लग गया,
इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, तो पी क्यू लंब हो जाएगा, सॉरी आधार काट का होता है आधार बटे लंब, काट का होता है पहले बच्चों आधार बटे लंब, तो लंब ये हो जाएगा आधार ये हो जाएगा, क्यू आर बटे क्या हो जाएगा पी क्यू। देखिए पहले बच्चों ये टेन पी का व्यंजक है, ये काट आर का व्यंजक है, आप देखिए दोनों सेम टू सेम है, आप यहां से काट के लिख सकते हैं या तो वैल्यू रख के काट सकते हैं, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 है और पी क्यू की वैल्यू 12 है। अगला देखिए क्यू आर की वैल्यू 5 है 12 है, तो ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका सेकेंड नंबर प्रश्न, आप दोनों का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हे गाइस आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा क्या कह रहा है। साइन ए बराबर 3/4 दिया है आपको, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करना है आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है और साथ में और टेन ए की वैल्यू ज्ञात करनी, किसकी वैल्यू टेन ए की। आइए बहुत ही सरल सवाल है प्यारे बच्चों, जरा सा भी हड़बड़ाना और डरना नहीं है। साइन ए बराबर 3/4 है, अब साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी आपको ये लंब दिया गया है और आपको क्या दिया गया है कर्ण दिया गया है, और क्या दिया गया है प्यारे बच्चों कर्ण दिया गया है, अर्थात साइन ए का जो अनुपात 3/4 है वो लंब ये है और कर्ण ये है, एक त्रिभुज बना लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए ये त्रिभुज बन गया, जिसमें जो बी है वो समकोण हो जाए, ए आपका ये हो जाए, चाहे जो भी ये बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सी हमने ये बना दिया। अब देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 है, अब बता कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है अर्थात ये 3 दिया है, और जो कर्ण है वो 4 है अर्थात ये आपको क्या दिया गया है 4 दिया गया है। अब हमको ये ज्ञात करना, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, किससे प्रमेय से प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कौन है एसी है, बराबर शेष अन्य दो भुजाओं का वर्ग यानी बीसी का वर्ग प्लस किसका वर्ग हो जाएगा एबी का वर्ग हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, बीसी की वैल्यू कितनी है 3 है और इसकी वैल्यू 4 है, ये प्लस क्या आ जाएंगे एबी का वर्ग हो जाएगा, अब ये वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, ये आएगा तो एबी का वर्ग आ जाएगा, ये प्लस 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, उधर हो जाएगा एबी का वर्ग, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा प्यारे बच्चों, ये एबी का स्क्वायर आएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कर्णी लग जाएगी, ये आ जाएगी एबी, अर्थात एबी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अंडर रूट 7। ठीक सॉरी गाइस, अब देखिए यहां पर जो है किसकी वैल्यू पूछ रहा है, अब आपको यहां से वैल्यू पूछा है कॉस ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू कॉस ए की, यदि आपने बेसिक वाला वीडियो देखा होगा तो कॉस ए का व्यंजक मैंने बताया था जो होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है फिर बच्चों आधार बटे कर्ण, अब आधार की वैल्यू ए के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है और ये जो नीचे की भुजा होगी वो आधार होगी, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आधार कितना है एबी है, आधार कितना है एबी है, और जो कर्ण है कर्ण कौन है एसी है, अब आप वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, उसकी वैल्यू आ जाएगी सॉरी इसकी वैल्यू है अंडर रूट 7 और एसी की वैल्यू कितनी है 4, ये वैल्यू प्राप्ट हो गए। अब आपको और साथ में पूछा टेन ए की वैल्यू, तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, चलिए अब लंब यहां कितना है, लंब यहां कितना है ए 3 और आधार कौन है 7, तो अंडर रूट 7 आ गए। ये रहा प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम बातें करेंगे चौथे प्रश्न की, आपको स्क्रीन पे चौथा प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8, यानी ये आपको दिया है
कॉट ए बराबर 8, ठीक, ये आपको दिया। तो साइन ए और सेक ए का मान याद करना, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलिए उन दोनों को ज्ञात करेंगे, आराम से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमको ये मॉडल बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर क्या बच्चों दिया क्या है, 15 cot A बराबर 8। अब 15 इधर जाएगा तो इधर गुणा में, तो बराबर उधर जाता है तो भाग में हो जाएगा, तो cot A बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, ये cot A। अब हमने पढ़ा है cot A का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब, यानी आधार आपको 8 दिया गया है, लंब आपको 15 दिया गया है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे छोटा सा नन्हा सा। अब ध्यान दीजिए इनका नाम हम लिख देते हैं भैया ए बी सी, बी समकोण है। अब आधार कॉट ए मतलब एंगल आपका यहां पर है, अब इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी लंब होगी, कोण के सामने वाली भुजा, बची जो भुजा होती है वो आधार होगी, ये वाली भुजा कर्ण होगी, ठीक। अब कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, आधार कितना 8, तो ये आपको 8 हो जाएगा। लंब आपका 15 हो गया। अब आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 8 का वर्ग कर देते हैं, और बी सी की वैल्यू 15 का वर्ग कर देते हैं। तो 8 का वर्ग करेंगे 64, 15 का वर्ग करेंगे 225, जोड़ देते हैं, 5 4 9 हो जाएगा, 4 उसके बाद 6 2 8, ये हो गया 289, ठीक। अब आप देखिए 289 ये ए सी का वर्ग आ गया। अब आप इसका वर्गमूल निकालिए, क्या वर्गमूल आपका कितना आएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर कर्णी में लगेगा 289, फिर उसके बाद उसके, तो प्यारे बच्चों आप अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 सेंटीमीटर आएगा, यानी ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 17 सेंटीमीटर। अब आइए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं आराम से। अब सबसे पहले कह रहा था साइन ए किसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए बराबर होता है प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आइए अब कोण के सामने वाली भुजा लंब है 15, और कर्ण आपने ज्ञात किया है 17, तो आपने ये पहला ज्ञात कर लिया। दूसरा पूछा है सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब देखिए कर्ण यहां कितना है, 17 है, आधार कितना है, आधार कितना 8, तो ये आ गए 17 बटे 8। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका चौथा और तीसरा दोनों कंप्लीट होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम आगे की क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस पांचवा प्रश्न देखिए आपका क्या कर रहा है, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कीजिए। केवल आपको यही दिया है एक चीज, केवल सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है 13 बटे 12, 13 बटे 12, तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करना। तो बचे कितने हैं, 5, एक दिया है 5 अनुपात बचे, 5ों को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इनको देखते हैं, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी आपको कर्ण जो है 13 दिया गया, आधार 12 दिया गया, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज में दिखा देते हैं जो कर्ण है वो 13 है, आधार जो है 12 है। अब हमको लंब की जरूरत है, तो ये ए मान लिए, ये बी मान लिए, ये क्या मान लिए, सी मान लिए। अब एक जगह प्यारे बच्चों आपका एंगल बन जा रहा, चाहो तो आप चाहे जहां एंगल बना दीजिए, ये एंगल बना लिए, ठीक, ये थीटा एंगल है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग का योग,
ए बी, और क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बी सी। अब देखिए ए बी यहां कितना है पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु बी सी पता है, बी सी कितना है 12 का वर्ग है और ए सी आपका 13 है, इसका वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, ये आ गया आपका ए बी का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर इधर आ जाएगा ए बी का वर्ग, इनमें से घटाएंगे तो ये आपका 25 आएगा, ये ए बी का वर्ग आ गया, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे प्यारे बच्चों, 25 आ जाएगा ये ए बी, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर, यानी ए बी की जो वैल्यू थी वो कितना आ गई 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, लंब आपको पता चल गया, कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया, तब कितने अनुपात है वो सभी अनुपात निकाल लीजिए। तो शुरुआत हम करते हैं साइन थीटा से, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब बताइए कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा कर्ण, तो ये लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है, ठीक। अगला कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, सेक का उल्टा होता है पर बच्चों। अब आधार कितना है, आधार आपका 12 है और कर्ण कितना है 13, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 13। फिर उसके बाद हम टेन ज्ञात कर लेते हैं, टेन बराबर है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार। अब बताइए कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार कितना है 12 है। फिर उसके बाद कॉट, कॉट का उल्टा होता है, कॉट होता है प्यारे बच्चों आधार बटे लंब, अब यहाँ आधार कितना है 12 है और लंब कितना है 5 है, ठीक। अब आपको चार हो गए, सेक तो पता ही है, कॉसिक निकाल लेते हैं, कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब होता है, क्या होता है कर्ण बटे लंब। अब देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी है 13 है और लंब की जो वैल्यू है वो कितना है 5 है, इस प्रकार आपका प्यारे बच्चों पांचों अनुपात निकल जाता है, एक अनुपात आपको दिया ही है, ठीक। तो आपका पांचवा सवाल कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं छठे प्रश्न की, छठा प्रश्न कह रहा है यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, कोण ए और बी न्यून कोण हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी, यानी प्यारे बच्चों आपको कुछ चीजें दी गई हैं, आप जरा सा वो देखिएगा, दिया क्या है, पहला पॉइंट दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब है प्यारे बच्चों दोनों कोण 90 अंश से कम है, ठीक, न्यून कोण है। और दिया क्या है, एक पॉइंट और दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, और जो सिद्ध करना है वो आपको ये देना है, सिद्ध करना है क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। तो आराम से हम लोग इसको आराम से हल करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम चाहें तो एक त्रिभुज आप बनाइएगा प्यारे बच्चों, एक अच्छा सा ट्रेंगल बनाइएगा, फिर उसके बाद नाम लिखिएगा इसे ए, ठीक। इस बार सी को समकोण कर दीजिए, सी को क्या कर दीजिए समकोण, ठीक, इसमें सी जो है आपका समकोण है। अब ध्यान दीजिए जो दिया गया उसी का मदद लेंगे, कॉस ए क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, यही आपको दिया गया है, इसी की मदद से हम लाएंगे, देखिए आराम से लाएंगे, बिल्कुल कुछ भी हड़बड़ा नहीं है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब कॉस ए के लिए एंगल ये है, कॉस ए के लिए एंगल ये है, भाई कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कोण के सामने वाली जो भुजा है वो तो लंब होने वाली है, तो बची हुई जो भुजा है ये आधार हो जाएगी, ठीक। अब कर्ण तो आपको आधार कौन है ए सी है और कर्ण कौन है ए बी है, चलिए अब इसका काम खत्म, इसको मूव कर लेते हैं भाई, आधा कॉस ए का काम खत्म हो गया। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कॉस बी, यानी एंगल यहां पर बना, तो अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाए, इसके इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और ये वाली जो भुजा है ये भुजा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, ठीक। अब ध्यान दो तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कौन है भैया बी सी है और कर्ण कौन है भैया ए बी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा बी सी, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड,
दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। लिखे अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, वो कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इतनी बात क्लियर हुई। अब ध्यान दो, अब ध्यान दीजिएगा, जब ए सी बराबर है बी सी के, तो बराबर भुजाओं के सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है, अर्थात एंगल ए बी सी के सामने की भुजा ए है और ए सी के बी सी के सामने का कोण ए है और ए सी के सामने का कोण बी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः एंगल ए बराबर एंगल बी, चूंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, के सम्मुख का कोण, ठीक है। ये रहा आपका छठवां प्रश्न, ये रहा आपका पांचवां प्रश्न। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हे गाइस, तो देखिए सातवां प्रश्न आपसे क्या करा कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक, तो ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना, इसमें सबसे पहला प्रश्न है जो ज्ञात करना है, पहला प्रश्न है वन प्लस साइन थीटा, फिर उसके बाद वन माइनस साइन थीटा पूरे के बटे में क्या है, वन प्लस कॉस थीटा, ठीक, और क्या है, वन माइनस कॉस थीटा, ठीक, ये हो गए। अब साथ में सेकेंड प्रश्न में क्या करा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी ज्ञात करना। इसको आप प्यारे बच्चों दो तरीके से लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब वो दो तरीका क्या, आप फार्मूले की मदद से लगा सकते हैं या तो वैल्यू रख के ज्ञात कीजिए, ठीक, ताइए हम लोग देखते हैं जरा सा। अब कॉट थीटा बराबर होता है 7/8, ये दिया है, तो ये वो दिया है, तो क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर हमने पढ़ा था फार्मूला, आधार बटे लंब होता है। अब अगर हम देखें तो आधार यहां 7 है, लंब कितना, 8 है, तो इसके माध्यम से हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे यहां से। अब देखें जिसमें आधार कितना है, 7 है, और लंब कितना है, 8 है, और अब हमको कर्ण ज्ञात करना है, तो वैल्यू रख देते हैं ए बी सी और एंगल बना देते हैं थीटा। अब देखिए, अब हमको एसी ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग, और प्लस किसका वर्ग हो जाएगा, BC का वर्ग। अब AB की वैल्यू रखते हैं, AB की वैल्यू कितनी है, 8 है, इसका वर्ग कर देंगे, और BC की वैल्यू कितनी है, 7 है। चलिए 8 का वर्ग करेंगे तो 64 और 7 का वर्ग करेंगे 49, जोड़ दिया जाए, 9 4 13, 6 4 10 1 11, ठीक, 9 4 13, 6 4 10 1 11। अब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर लग जाएगा कर्णी में 113, तो एसी की जो वैल्यू आई प्यारे बच्चों वो आ गई कर्णी में 113, ये आई कर्णी में 113, ठीक, ये एसी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या ज्ञात करना था, आपको फर्स्ट पोर्शन में ये ज्ञात करना, सेकंड पोर्शन वो ज्ञात करना। तो चलिए फर्स्ट पोर्शन को हम लोग हल करते हैं। पहले फर्स्ट पोर्शन क्या कह रहा है, देखिए वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, कर्ण ये है, तो यहां आ जाएगा 8/117। किसी को कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, ये आपने एक वैल्यू रखा, फिर वन माइनस साइन थीटा, तो वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू तो वही रहेगी 8/117, ये हो गया पूरे के बटे। वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 है, कर्ण कितना है 113, ठीक, कितना है 113, तो 7/113, ठीक,
ठीक, ये आगे कॉस की वैल्यू, फिर वन माइनस कॉस थीटा है तो वन माइनस कॉस थीटा यानी 7/√113। आप ये रखती है वैल्यू। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने यही पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी की मदद से हम हल करेंगे। तो ए स्क्वायर कौन है? अब देखिए, ए के स्थान पे यहां एक है और माइनस बी स्क्वायर के स्थान पे 8/√113 का वर्ग। प्यारे बच्चों, जो आप सूत्र यहां उपयोग कर रहे हैं वो सूत्र आपका ये है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का मदद लिया गया है। अब आप देख पा रहे होंगे बटे में यहां क्या हो जाएगा, एक का वर्ग माइनस बी का वर्ग, बी के स्थान पर कौन है 7/113 का वर्ग। अब देखिए इसी को हल करना है, इसका वर्ग करेंगे एक आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 113 आ जाएगा, पूरे के बटे एक माइनस 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, इसका 113। अब देखिए ये भिन्न के कुछ पोर्शन हो गए, आप इनको आराम से हल कर सकते हैं। 113 इनका लसा लिए, 113 113 माइनस कितना हो जाएगा 64/113, पूरे के बटे कितना हो जाएगा 113 - 49/113। इसमें किया क्या गया जानते हैं आप? अब हमने कुछ आपको स्टेप स्पीड कर दिए, इन दोनों का लसा लिए, 113 113 का गुणा यहाँ हो जाएगा, एक का गुणा यहाँ हो जाएगा, ठीक वही प्रोसेस हमने किया है। अब देखिए ये चीज और ये चीज आपके कैंसिल हो जाएंगे, 113 में से 64 घटा दीजिए तो 13 में से 4 घटाएंगे 9 आएगा, ठीक यहाँ बचा है आपका कितना है, 13 में से 4 घटाए 9 आ गए, यहाँ कितना बचा प्यार बच्चों आपका 0, ये इसको दिया 10, 10 में से 6 घटाए 4 तो ये 49 आया, और यहाँ घटाएंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ 10 10 बचेगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 तो 49/ कितना आ गया 64, कितनी वैल्यू आई 49/64। अब आइए सेकेंड नंबर इसका हल हल करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? पहले हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो कॉट थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों आधार बटे लंब, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और नीचे वाली जो भुजा वो आधार, तो हो जाएगा बीसी और बटे क्या है ए बी का वर्ग। वैल्यू रख देते हैं भैया, बीसी की वैल्यू कितनी है? देखिए बीसी की वैल्यू 7 है और ए बी की वैल्यू 8, इसका वर्ग करेंगे तो 7 × 7 = 49 = 64, तो आपके जो सेकंड पोर्शन का जवाब है वो है 49/64 वहां है और ये है। ये प्यारे बच्चों कॉट के रूप में फार्मूला ही था, कॉट का साइन के पदों में ये फार्मूला होता है, ठीक। तो आप फार्मूला पे नहीं याद कर पाएंगे तो आप फार्मूले पे मत जाइएगा, आप डायरेक्टली इस प्रकार लगा सकते हैं। गाइज आज की क्लास में बस यहीं तक हम बात करते हैं, जो बचे हुए सवाल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे प्यारे बच्चों। आई होप कि आज की क्लासेस में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आया होगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।